हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन। सो बिफोर दिस टॉपिक, मैंने आप लोग को रेगुलर लैंग्वेज समझाया हुआ है और कोई भी गिवन लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम देख चुके हैं। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई भी गिवन रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिससे हम किसी भी रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअली मैंने ऑलरेडी आप लोग को ये चीज़ बताया हुआ है कि हमको फाइनाइट ऑटोमेटा से हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें कि हम DFA, NFA, एप्सिलॉन NFA, मिनिमाइज DFA ये समझते हुए आ रहे हैं और हमको रेगुलर लैंग्वेज तक पहुंचना है। मैं ऑलरेडी आप लोग को ये बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो हम ये रेगुलर लैंग्वेज को अभी समझ चुके हैं, साथ ही साथ आज अपने को रेगुलर एक्सप्रेशन को समझना है। सो रेगुलर एक्सप्रेशन में डिफरेंट ऑपरेटर यूज़ होते हैं, तो ऑपरेटर को पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिफरेंट एग्जाम्पल में समझेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन होता कैसे है। सो फर्स्ट ऑपरेटर इज़ स्टार, या हम इसको किंग क्लोजर बोलते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल की पावर स्टार से, ठीक है। तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर स्टार है किसी भी गिवन एलिमेंट की पावर में तो उसका मतलब क्या होता है, और अगर पॉजिटिव क्लोजर है तो उसका मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे हम कोई एक एलिमेंट ए कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर एल की पावर स्टार है तो क्या हो जाएगा, हम अपने को यहाँ पे नल वैल्यू को भी कंसिडर करना होता है, सिंगल लेंथ के स्ट्रिंग को भी कंसिडर करना होता है, सेकेंड लेंथ के भी स्ट्रिंग को कंसिडर करना होता है, थर्ड तीन लेंथ के स्ट्रिंग को भी कंसिडर करना होता है। इसी तरीके से हम एनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को कंसिडर कर सकते हैं इसमें। पॉजिटिव क्लोजर की मैं बात करूं तो इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और एल की पावर प्लस के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो इस पर हम किसको कंसिडर नहीं करते हैं, बताया था मैं आप लोग को कि इस पर हम जो नल वैल्यू है उसको कंसिडर नहीं कर सकते। हम सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग को कंसिडर करेंगे, दो लेंथ की स्ट्रिंग को कंसिडर करेंगे, थ्री लेंथ की स्ट्रिंग को कंसिडर करेंगे और एनी नंबर ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नल वैल्यू नहीं होता है, तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है। अब थर्ड ऑपरेटर इज़ डॉट ऑपरेटर, या इसको हम कंकनेट करने के लिए, दो लैंग्वेज को कंकनेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे सपोज़ टू लैंग्वेज हैं L1 एंड L2, अब इनको अपने को कंकनेट करना है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे कुछ सेट में वैल्यू ली हुई है, यहाँ पे L1 इज़ इक्वल टू ये वैल्यू लिया हुआ है एंड L2 के लिए ये वैल्यू कंसिडर किया हुआ है। अब इसको कंकनेट करना है दोनों लैंग्वेज को, तो हम कंकनेट कैसे करेंगे ये देखते हैं। ये ऑलरेडी आप लोग सेट में किए होंगे, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो कंकनेट करने के लिए अपने को क्या करना होता है, जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है उसको जो जो लैंग्वेज है उसके इच एलिमेंट के साथ में कंकनेट करना होता है। तो ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं या एलिमेंट हैं इसके फर्स्ट वैल्यू के साथ पहले कंकनेट होंगे। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, हमारा नल है। अब नल के साथ किसी भी वैल्यू को कंकनेट करोगे तो अपने को सेम वही वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 0 1 1 0 एंड 1 1 1, ठीक है, क्योंकि नल वैल्यू है। तो नल को हम कैलकुलेट करेंगे तो अपने को सेम वैल्यू मिलेगी। अब इसके बाद अपने को जैसे 0 0 1 के साथ कैलकुलेट करना है, ठीक है, ईच एलिमेंट को। तो क्या हो जाएगा, ये जैसे हम फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं यहाँ से, तो 0 0 1 और इधर से 0 0 1 इसके साथ कंकनेट हो गया। फिर उसके बाद 1 0 और 0 0 1 इसके साथ कंकनेट हो गया। फिर 1 1 1 यहाँ पे इसको लेते हैं और इसके साथ 0 0 1 को कंकनेट करते हैं। तो इस तरीके से अपने को ये वैल्यू मिल जाएगी आफ्टर द कंकनेटेशन, ठीक है। फिर जो फोर्थ ऑपरेटर है, दैट इज़ यूनियन ऑपरेटर, इसको प्लस या कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें अपने को जैसे सेम लैंग्वेज को कंसिडर करते हैं, आफ्टर द यूनियन ऑपरेशन क्या मिलेगा अपने को, ये देखते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे देखिए, जैसे कि यूनियन ऑपरेशन आप लोग ऑलरेडी किए हुए होंगे, 001 हमने यहाँ से लिया। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि 001 है क्या इस सेट में, 001 प्रेजेंट है, तो इसमें से अपने को सिंगल टाइम ही कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 001 हम सिंगल टाइम कंसीडर करेंगे, 10 चेक करते हैं, 10 सिर्फ फर्स्ट लैंग्वेज पे ही है, इसलिए 10 यहाँ पे हो जाएगा, और ये 111 भी फर्स्ट लैंग्वेज में ही है, इसलिए ये आपका 111 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज टू में एक एलिमेंट बचा हुआ है, दैट इज़ एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन को हम यहाँ कंसिडर करेंगे, और 001 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो आफ्टर द यूनियन ऑपरेशन अपने को ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये एक्चुअली ऑपरेटर्स अभी यूज़ होने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो इसलिए ये चीज़ आप लोग को बतानी ज़रूरी थी। तो सबसे पहले अब मैं कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस लेता हूँ और उसके मीनिंग या मतलब क्या होता है रेगुलर लैंग्वेज के टर्म में, ये पहले समझते हैं, तभी हम किसी भी गिवन लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन बना पाएंगे। ओके, हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जो रेगुलर एक्सप्रेशन के टर्म में दिए हुए हैं और उसका लैंग्वेज के टर्म में मतलब क्या होगा, ये समझते हैं। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज आर इज इक्वल टू फाइव। अब फाई का मतलब क्या होता है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, R इज़ इक्वल टू फाई एंड R इज़ इक्वल टू नल। अब ये दोनों चीज़ें बहुत ही डिफरेंट हैं, कई सारे क्वेश्चंस में इन्हीं दोनों टर्म को लेके पूरी तरीके से आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। तो इस टर्म को आप लोग पहले अच्छे से समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे R इज़ इक्वल टू फाई मीन्स, फाई मीन्स नथिंग, ठीक है, मतलब किसी भी सेट में हम कुछ भी एलिमेंट पुट नहीं कर सकते, जीरो लेंथ की स्ट्रिंग भी हम पुट नहीं कर सकते, मीन्स ये आपका जो सेट है वो पूरी तरीके से ब्लैंक रहेगा। ठीक है, या तो इसको हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं फाई के, या तो हम ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे, इसके अलावा हम कुछ भी लिखते हैं इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सपोज जैसे मैं इसको लिखता हूँ, ये एक सेट में फाई, तो ये आपका क्या हो गया, इस सेट में कोई एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फाई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये नॉट इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, R इज इक्वल टू फाई के, ठीक, ये डिफरेंट थिंक है, ठीक है, और ये डिफरेंट थिंक है, ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग को। ठीक है, आप लोग ये यहीं पे समझ लीजिए कि इस फाई का मतलब अलग है और इस फाई का मतलब अलग है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब उसके बाद R इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है नल। अब नल का क्या मतलब होता है, नल मीन्स हम किसी सेट के अंदर में सिर्फ और सिर्फ नल को कंसिडर कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट हम किसी भी लेंथ का एलिमेंट यहाँ पे या स्ट्रिंग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब जो थर्ड हमारा एग्जांपल है, दैट इज़ R इज़ इक्वल टू A। R इज़ इक्वल टू A मीन्स सिंगल लेंथ की एक स्ट्रिंग है, उसको हम लैंग्वेज के टर्म में लिखें तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली A ही होगा, इसके अलावा ना जीरो लेंथ की स्ट्रिंग होगी, ना टू लेंथ की स्ट्रिंग होगी, या किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग और नहीं होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, R इज़ इक्वल टू A प्लस B दिया हुआ है। ठीक है, तो A प्लस B का मतलब क्या होता है, A कॉमा बी, ये जैसे हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में या जो DFA वगैरह बनाया हुआ है उसमें हमने इस चीज़ को किया हुआ है, जिसमें हम अगर वन स्टेट टू अनदर स्टेट मूव कर रहे हैं तो हम या तो A इनपुट सिंबल के साथ मूव करते हैं या B इनपुट सिंबल के साथ मूव करते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे ये एक्सप्रेशन में A प्लस बी के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। ओके, अब इसके बाद आगे R इज इक्वल टू A डॉट B, तो A डॉट B को सिंपली A B लिखा जाता है। ठीक है, लैंग्वेज के टर्म में A B। नेक्स्ट R इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C दिया हुआ है, तो इसका मतलब सिमिलरली जैसे हमने A प्लस B को किया हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा, आइदर A और B और C। ठीक है, किसी एक एलिमेंट को अपने को एक टाइम पे कंसिडर करना होता है, प्लस है इन द सेंस की, ठीक है, या तो A को करेंगे, या तो B को करेंगे, या तो C को करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं,
R is equal to AB plus A dot B. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं लैंग्वेज के टर्म में? देखिए यहाँ पे डॉट ऑपरेटर है, तो डॉट ऑपरेटर इच एलिमेंट के साथ क्या होगा, कंकेट होगा. तो क्या हो जाएगा, ये आपका बी ए बी के साथ होगा, तो ए बी और बी हो जाएगा. और उसके बाद यहाँ पे प्लस ऑपरेटर लगेगा और ये ए और बी हो जाएगा, तो ए बी हो गया. ठीक है, तो आइदर हम इसको कंसिडर करेंगे इस एलिमेंट को, या इस एलिमेंट को कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आगे कॉमा बन जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद आगे जैसे हमने ऑलरेडी इसको देखा हुआ है अभी ऑपरेटर में, ए की पावर पॉजिटिव क्लोजर, ए की पावर स्टार. मेरे ख्याल से फिर से बताने की नीड नहीं है इस चीज़ को. तो ये आपका पॉजिटिव क्लोजर में जैसे हम नल कंसिडर नहीं करते हैं, तो सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग, डबल लेंथ की स्ट्रिंग, थ्री लेंथ की स्ट्रिंग, अप टू एनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हम कंसिडर कर सकते हैं. और ए की पावर स्टार में हम नल को भी कंसिडर करते हैं. और उसके बाद सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग, डबल लेंथ स्ट्रिंग, ठीक है, थर्ड लेंथ वाली स्ट्रिंग और एनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को हम आगे कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, ए प्लस बी ए, ये एक्चुअली कॉन्केट किया गया है यहाँ पे, और बी प्लस ए है. तो इसको अपने को कंकनेट करना है, तो ए इन दोनों एलिमेंट के साथ में क्या हो जाएगा, कंकनेट हो जाएगा. ठीक है, तो ए बी हो गया, ये ए बी, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ए ए हो जाएगा. ठीक है, ए बी हो गया और ये आपका ए ए हो जाएगा. ठीक है, तो ए ए होगा. फिर इसके बाद बी ए और ये बी के साथ कंकनेट हो गया, और उसके बाद ये बी ए ए के साथ हो जाएगा, बी ए ए हो जाएगा. तो इस तरीके से हम गिवन जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं उसको लैंग्वेज के टर्म में कैसे समझ सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने देखा. ठीक है, अभी मैं कुछ और जो एग्जांपल है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ. ये तो सिंपल एग्जांपल थे, ठीक है, तो उसमें आप लोग को और क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं जिससे अपने को रेगुलर एक्सप्रेशन में और क्लियरिटी आएगी. सो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, आर इज इक्वल टू ए प्लस नल, और कॉन्केट किया गया है यहाँ पे बी प्लस फाई को. ठीक है, तो इसको हम लैंग्वेज के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए क्या हो जाएगा, अपने को कंकनेट करना है ए बी, तो ये ए बी हमने कर लिया, उसके बाद ए फाई. अब फाई के साथ अपने को किसी भी वैल्यू को कंकनेट करने पे अपने को क्या मिलता है, फाई ही मिलता है. ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा ना. ठीक है, तो ए और फाई क्या होगा, फाई ही होगा, उसको लिखने की नीड नहीं है. और हम नल के साथ किसी वैल्यू को किसी अल्फ़ाबेट या स्ट्रिंग को कैनकनेट करते हैं, तो सेम स्ट्रिंग या अल्फ़ाबेट ही अपने को मिलता है. तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. और उसके बाद नल के साथ हम फाई को कैनकनेट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, ठीक है, अपने को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी की पावर टू. अब की पावर टू में दिया हुआ है, तो जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ए की पावर टू लिखता हूँ, तो इसको हम क्या समझते हैं, ए समझते हैं. ए की पावर मैं इसी को थ्री लिखता हूँ, तो इसको हम क्या समझते हैं, ट्रिपल ए समझते हैं. ए की पावर फाइव लिखता हूँ तो फाइव टाइम ए समझते हैं. तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, आपका ए प्लस बी की पावर टू, इन द सेंस की ए प्लस बी, ठीक है, ये हो जाएगा. अब अपने को इसको कैनकनेट करना है, तो अपने को वैल्यू क्या मिलेगी, ए ए ए बी बी ए एंड बी बी. ठीक है, तो ये वैल्यू अपने को इसमें मिलेगी. ओके, आगे बढ़ते हैं. ए प्लस बी की पावर स्टार दिया हुआ है. अब ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको आप लोग को ध्यान से समझना है.
ए की पावर बी स्टार, ए की पावर बी स्टार इन द सेंस कि हम इसमें जीरो से एनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के लिए इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, स्टार की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की पावर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी की पावर वन भी हम रख सकते हैं, ए प्लस बी की पावर हम टू भी रख सकते हैं, एनी नंबर या एनी लेंथ की स्ट्रिंग हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी की पावर ज़ीरो की जो वैल्यू होगी क्या होगी, उसको हम नल कंसिडर करेंगे जीरो लेंथ की स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। अगर हम पावर वन रखे हैं तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हमने ऑलरेडी किया हुआ है अभी प्रीवियस एग्जांपल में, तो ए बी हो जाएगा ये, और सिमिलरली ए प्लस बी की पावर टू के लिए हम अभी फाइंड आउट किए हुए हैं, तो ए ए ए बी बी ए बी बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये जो वैल्यू है या स्ट्रिंग्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इस एक्सप्रेशन में हम ज़ीरो लेंथ की स्ट्रिंग भी फाइंड आउट कर पा रहे हैं, वन लेंथ की स्ट्रिंग भी फाइंड आउट कर पा रहे हैं, टू लेंथ की भी फाइंड आउट कर पा रहे हैं। अगर हम थ्री लेते हैं तो थ्री लेंथ की भी स्ट्रिंग फाइंड आउट होगी, फोर लेते हैं तो फोर लेंथ की भी स्ट्रिंग फाइंड आउट होगी, ठीक है। हम किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग फाइंड आउट कर पाएंगे, और साथ ही साथ ए और बी के कॉम्बिनेशन में भी हम एनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को ये चीज़ ध्यान देना है कि ये जो एक्सप्रेशन होता है, दिस इज़ यूनिवर्सल एक्सप्रेशन, ये इस एक्सप्रेशन में दुनिया का कोई सा भी स्ट्रिंग जो हम ए और बी के हेल्प से बना सकते हैं, सारा का सारा इसमें इंक्लूड होगा। क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे टू लेंथ में हमने ए बी के जितने भी कॉम्बिनेशन है टू लेंथ में, वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो गई। इसी तरीके से हम थ्री लेंथ की बात करते हैं, तो थ्री लेंथ में ए बी से जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं सारे के सारे पॉसिबिलिटीज़ उसमें इंक्लूड होंगी। फोर लेंथ की बात करते हैं तो उसी तरीके से वो फोर लेंथ की ए बी की जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो उस सेट में इंक्लूड होगी। इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सप्रेशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, इसको फर्दर अपने को बहुत यूज़ होना है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ए प्लस बी स्टार, फिर उसके बाद इसको कनेक्ट करना है ए प्लस बी के साथ में। तो जैसे मैं बताया कि ए प्लस बी ये क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। इसमें ए और बी से बनने वाले हर एलिमेंट इसमें क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे। लेकिन हम उसको ए प्लस बी के साथ कनेक्ट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, अगर हम नॉर्मली सोचें तो अपने को ए प्लस बी स्टार ही मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोग को बताया हुआ था, अपने को ए प्लस बी होल स्टार की वैल्यू जो मिल रही थी नल ए बी ए ए बी बी ए बी बी ए, इस तरीके से हर लेंथ की हर टाइप के कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटीज़ अपने को मिल रही थी। अब इसको हम क्या करते हैं, कैंकिनेट करते हैं ना, किसके साथ में, आपके ए बी के साथ में, ए बी के साथ हम कंकनेट करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे इसमें का हर वैल्यू ए के साथ में कंकनेट होगा, फिर इस सेट का हर वैल्यू बी के साथ में कंकनेट होगा, ठीक है। तो अगर हम नल की बात करें, नल अगर ए के साथ में कैंकिनेट होगा तो क्या होगा, बताया था मैं, ठीक है, ए ही मिलेगा अपने को। नल को हम कैंकिनेट करेंगे ए के साथ में तो अपने को ए मिलेगा, और नल को हम बी के साथ में कैंकिनेट करेंगे तो बी मिलेगा। उसी तरीके से हम ए को ए के साथ में कैंकिनेट करें तो ए ए मिलेगा, और ए को बी के साथ में करेंगे तो ए बी मिलेगा, ठीक है। तो हर कॉम्बिनेशन यहाँ पे ऑकर तो हो जाएगा, लेकिन अपने को जो नल है वो यहाँ पे ऑकर नहीं हो रहा है फाइनल रिजल्ट में, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज ए प्लस बी, ठीक, पॉजिटिव क्लोजर,
ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे ध्यान देनी है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, यूनिवर्सल सेट के साथ में आप किसी वैल्यू को कंकनेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूनिवर्सल ही अपने को मिलेगा, क्योंकि उससे बड़ा तो कुछ होता नहीं है। ठीक, अपने को पहले सॉल्व करके उसको देखना है। ठीक, अपने को यहाँ पर नल वाली वैल्यू नहीं मिल रही है, इसलिए ये अपने को पॉजिटिव क्लोजर फाइंड आउट हो रहा है। बाकी उसके अलावा सारी वैल्यूज़ अपने को यहाँ पर मिल रही हैं, जो कि ए और बी के हर कॉम्बिनेशन को पॉसिबल बना रही हैं। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। R इज इक्वल टू ए की पावर स्टार, कॉन्किनेट किया गया है इसको ए की पावर स्टार के साथ में। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए की पावर स्टार एप्सिलॉन ए ए ए ए ए ए, इस तरीके से होगा, ये एनी लेंथ में ले सकते हैं। फिर उसके बाद में अगेन ए की पावर स्टार एप्सिलॉन ए ए ए और ए ए ए एनी लेंथ में इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो नल को नल के साथ में हम अगर कैनकिनेट करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, नल ही मिलेगा। ठीक है, और उसके नल को ए के साथ में करते हैं तो अपने को मिलेगा ए, और नल को फिर डबल ए के साथ में करते हैं तो अपने को अगेन डबल ए मिलेगा, फिर ट्रिपल ए मिलेगा, अप टू एनी लेंथ ऑफ दी ए यहाँ पे मिलते जाएगा। तो अपने को ओवरऑल मिल क्या रहा है, वही मिल रहा है ए स्टार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्टार लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करके पहले देखना है। ठीक, फिर उसके बाद आर की पावर ए बी होल स्टार, आर की पावर ए बी की पावर होल स्टार में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एनी लेंथ ऑफ दी ए बी के कॉम्बिनेशन में हर स्ट्रिंग जो पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि ए की पावर ए बी की पावर हम जीरो लेते हैं तो ये आपका एप्सिलॉन होगा, फिर सिंगल लेंथ के लिए ए बी होगा, डबल लेंथ के लिए आपका ए बी होगा, ट्रिपल लेंथ के लिए ए बी ए बी होगा, इस तरीके से एनी लेंथ ऑफ दी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी के फॉर्म में चलता जाएगा। तो इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब आगे मैं आप लोग को एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ था। सो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आर वन, दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है आर टू। अब इस R1 एन R2 के लिए चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इन चार ऑप्शंस में सही ऑप्शन कौन सा है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अपने को R1 एन R2 को पहले समझना होगा। ठीक है, तो ये तो जैसे हम ऑलरेडी किए हुए हैं, ए स्टार का मतलब क्या होता है, ए स्टार फॉर इसमें आपका नल वैल्यू भी होगा, ए होगा, डबल ए होगा, थ्री टाइम ए होगा, और एनी नंबर ऑफ ए को हम इसमें कंसिडर करेंगे। ओके, फिर उसके बाद आर टू के लिए हम देखते हैं, ये आर वन का हमने देखा, आर टू के लिए देखते हैं। तो आर टू के लिए अपने को ए स्टार को पहले सॉल्व करना है। तो ए स्टार जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, ए स्टार क्या हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा नल ए डबल ए थ्री टाइम ए अप टू एनी नंबर ऑफ दी ए। ठीक, अब इसको अपने को क्या करना है, यूनियन करना है डबल ए स्टार के साथ में। डबल ए स्टार इन द सेंस कि अपने को ए जो है इवन नंबर ऑफ ए कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो अगर हम ज़ीरो करते हैं तो वो आपका नल होगा, और उसके बाद अगर हम वन करते हैं तो ए ए होगा, हम टू करते हैं तो फोर टाइम ए होगा, अगर हम थ्री करते हैं तो सिक्स टाइम ए होगा। इस तरीके से ये इस कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ते जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, आगे यूनियन परफॉर्म करते हैं। यूनियन परफॉर्म करेंगे तो अपने को कौन सी वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नल है, ये नल हमने सिंगल टाइम कंसिडर कर लिया, सिंगल टाइम ए है, सिंगल टाइम ए यहाँ से कंसिडर कर लिया, टू टाइम ए है तो टू टाइम ए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम एक ही बार कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद थ्री टाइम ए हमने यहाँ से कंसिडर कर लिया, फोर टाइम ए वहाँ पे भी है, यहाँ पे है, तो हम एक बार कंसिडर करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अपने को ओवरऑल मिल क्या रहा है। ठीक है, ए के हर लेंथ की पॉसिबिलिटीज़ अपने को मिल रही है, इट मीन्स कि ये क्या है, ए स्टार ही मिल रहा है। और हमने आर वन में भी सेम वैल्यू ये निकाली हुई है,
आपके ए की हर लेंथ की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे भी अपने को मिल रही है, तो दोनों क्या हो गए, ए स्टार एन ए स्टार ही हो गए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके का क्वेश्चन अपने को आता है, इसलिए आप लोग को रेगुलर एक्सप्रेशन को पहले समझना ज़रूरी है, इसके बाद में आप लोग को रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे हम बनाते हैं वो चीज़ भी मैं आगे बताने वाला हूँ। सो थैंक यू।